एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज तारीख है 11 फरवरी और परसों गेट का एग्ज़ाम है, गेट बायोटेक्नोलॉजी, और उसी के सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा और मैं उसमें आपको पिन पॉइंटेडली बताऊँगा कि ये एक दिन जो आपके पास है और कुछ घंटे जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको अपीयर होना है। तो देखिए, लास्ट मिनट टिप्स फॉर गेट 2021। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक बार समझ लीजिए, गेट इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है गेट में जो आपको मिलेगी वो 13 मार्क्स की मिलेगी। सब्जेक्टिव जो आपका जो सब्जेक्ट है वो 72 मार्क्स का होगा और जीए जो है वो 15 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सब्जेक्ट में भी आप अच्छा खासा अगर ठीक ठाक स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जीए में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो बात ध्यान देने वाली है वो समझिए कि नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बहुत 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 विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि गेट में एक नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं और दो नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग जो एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए हैं वो 1/3 है और दो नंबर के क्वेश्चंस के लिए 2/3 नेगेटिव है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिगरस नेगेटिव मार्किंग्स है जो एग्जाम में होती है। CSIR में कंपैरेटिवली इससे अच्छी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब इजी है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे यही सजेस्ट आपको करूँगा कि जब तक आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं आता हो तब तक उसको अटेम्प्ट ना करें तो अच्छा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि वो सिलेक्शन भर का क्वेश्चन कर लेते हैं और आखिरी के कुछ समय में उनको ये डर लगने लगता है कि मैंने शायद प्रॉपरली नहीं किया या मैंने जो जितना किया है वो पर्याप्त नहीं है, उस वजह से वो गलत अटेम्प्ट करते हैं और कट ऑफ के नीचे पहुंच जाते हैं। पेपर देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टफ है कि ईजी है, क्योंकि गेट का आपकी बार का पेपर IIT बॉम्बे बना रहा है, तो इसलिए ये तय रखिए कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अगर आपको ये देख करके लग रहा है कि पेपर टफ है तो आप अपने हिसाब से उसको आप कर सकते हैं जो क्वेश्चंस, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चंस आए सिर्फ और सिर्फ वही करिएगा। अगर इन द वर्स्ट केस या अनफॉर्चुनेटली आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से कुछ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तभी आप उस पर या जितना आपको आ रहा है उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तभी आप नेगेटिव या तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को टच करिए जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक, तो पिछली बार का कट ऑफ जो था वो 30-35 के आसपास रहता है लगभग हर बार ऐसे ही। आपको उसके हिसाब से ही अपना पेपर देखिए और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि इस बार का कट ऑफ कितना लगभग जा सकता है और आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो वही करिए। ठीक, तो MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चंस में 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको ज़रूर कर लीजिए। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप, हो सकता है अगर आपको नहीं भी आता हो तो भी आपने अगर अंधी लगाई तो हो सकता है सही हो जाए। चलिए, अब लास्ट मिनट में, मतलब एक दिन आपके पास बचा हुआ है, कुछ 24 से घंटे से कुछ ऊपर घंटे बचे हुए हैं, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि पिन पॉइंटेड इन टॉपिक्स से हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों को जाने से पहले एग्ज़ाम में ज़रूर एक बार देख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उसको क्वेश्चन जो आपने देखे हैं, जो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नोट किए हैं, टेक्निक्स नोट की हैं, ट्रिक्स नोट की हैं, उसको ज़रूर देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी आपने जेनेटिक्स में भी सीखी होगी वो भी देख सकते हैं, और स्टैट्स पढ़ाया ही जाता है बीटेक में, तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मीन मीडियन मोड वगैरह का कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूलेज आपको रटे हुए होने चाहिए। ये जनरल एप्टीट्यूड में अब आप सिर्फ वो क्वेश्चंस देखिए जैसे कि बोट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, 12, 14, 16 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस देखिए इस समय। और या उसमें आपने कोई ट्रिक अगर नोट कर रखी हो जिससे आसानी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो वो रिवाइज कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में बहुत अथाह सागर है, लेकिन उसमें से भी अगर मैं कहूँ कि जो रिवाइज करके जाने के लिए अच्छा है वो कम से कम एंजाइम का पोर्शन जरूर एक बार देख लीजिए, उसके कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन समझ लीजिए। इसके अलावा आप एंजाइम्स के अंदर जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, K1 K-1 K2 इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो IU यूनिट है और जो आपका कैटल यूनिट है वो क्या होता है, इंटर कन्वर्जन किस तरीके का किस तरीके से किया जा सकता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होती है,
मोलर एक्टिविटी क्या होती है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। एंजाइम्स के बाद अगर मैं कहूँ तो लिपिड्स इंपॉर्टेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में तो आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आइए माइक्रोबायोलॉजी में बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी में देखिए कोच पोस्टुलेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है और आपके बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी है। खासकर माइक्रोबायोलॉजी में डिजीजेस जरूर याद कर लीजिए, अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो डिजीजेस के ऊपर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिजीज कोस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक याद कर लिया होगा, एक बार उसको जरूर दोहरा लीजिए जाने से पहले। और मैच द फॉलोइंग में दूसरा ये अक्सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में भी पूछ लेता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट को मैच करवाइए, तो वो भी उस तरीके के क्वेश्चंस भी अक्सर देख लीजिएगा, उन चीज़ों को भी जाने से पहले एक बार जो साइकिल्स आपने बना रखी, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, इसके अलावा क्रेब साइकिल, टीसीएस जो टीसीएस साइकिल है, इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है, ये सब के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा जाने से पहले। इसके अलावा सेल बायोलॉजी पे आते हैं तो उसमें सिग्नलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिल्स के बारे में तो खैर सभी जानते ही हैं कि क्या क्या फंक्शन है, इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी और न्यूक्लियस पे ज़रूर फोकस कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। इसके अलावा सिग्नलिंग में GPCR के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इसके अलावा एक बार टायरोसिन काइनेसिस के भी पाथवेज को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद एपोप्टोसिस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो देख लीजिएगा, और कैंसर में P53 का रोल, रेटिनोब्लास्टोमा का रोल, ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पे, इसमें तो आपका रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एनालिटिकल टेक्निक्स पे माइक्रोस्कोपी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर आपने न्यूमेरिकल एपर्चर बढ़ाया या आपने ऑयल यूज़ किया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा, उसको पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैंने कुछ कुछ उसमें से छांटे हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, डिजीजेज जो होती हैं इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज, MHC, हाइपर सेंसिटिविटी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डेटाबेसेस याद रखिए और डेटाबेसेस का फुल फॉर्म याद रखिए, अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का यह डेटाबेस है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का, सीक्वेंस का डेटाबेस है, किस तरीके का डेटाबेस है, उस पर खूब सारे क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। और ब्लास्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि फाई ब्लास्ट क्या है, या ब्लास्ट में टी ब्लास्ट एक्स क्या है, ब्लास्ट एन क्या है, ब्लास्ट पी क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो है ये ज़रूर देख लीजिएगा। RDT में आपको RFLP, RAPD, AFLP ये तो पता होना ही चाहिए, इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि ECO-R1, HIM-3, BAM-H1, इन सब का रेस्ट्रिक्शन साइट ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ये फ्रीक्वेंट कटर्स हैं कि नहीं है, कहाँ कहाँ पे काटते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि कितने सीक्वेंस बाद इनका जो रिपीट होने के बाद इनकी साइट कितने सीक्वेंस बाद आएगी, इस तरीके का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, टाइप्स ऑफ कल्चर और हर कल्चर की जो खास चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें किस कल्चर से जैसे कि वायरस रेजिस्टेंट या इन्फेक्शन रेजिस्टेंट क्रॉप बन सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें जो हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो BT कॉटन वगैरह, फ्लेवर सेवर टोमेटो वगैरह के बारे में इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो वो देख लीजिएगा। और आइए लास्ट में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मैंने प्रयास किया था कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का काफ़ी कुछ पोर्शन मैं कवर कर लूँ, मैंने कवर भी कर दिया है, उसमें मैंने काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स के भी पोर्शन करवाए हैं। तो बायोप्रोसेस में ज़्यादातर हमेशा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस कभी कभार आते भी हैं, तो इसमें जो मैंने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी दो सेशंस में न्यूमेरिकल करवाए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, डिग्री ऑफ रिडक्शन जैसे हो गया, वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, या देखिए डाइल्यूशन फैक्टर वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो वॉशआउट जो स्टेज होती है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एलिमेंटल बैलेंस वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, तो ये और मैं यही कहूँगा कि वो जो न्यूमेरिकल वाला जो सेशंस थे एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस किए गए हैं।
वो उतना अगर आपने देखा तो मुझे लगता है कि आपके जो मार्क्स अभी आ सकते हैं और जब आप इसको कर लेंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा और मेरी बेस्ट विशेज आपको 13 तारीख के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप वॉचिंग इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।